दो चार गाम राह को हमवार देखना, फिर वादे हुकूमत के बार बार देखना, महंगाई में मुश्किल है नौकरी पे निसार, ललचाई निगाहों से कारोबार देखना। हुकूमत है पल्ला नहीं पकड़ा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। और धड़क दिनों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल चाल हैं? क्या बात है, आज सही फैसले करने वाले चौधरी लगन दे। अच्छा, इस तरह के चौधरी अपने कामे दे पैर ते पैर रख चपेड़ खा लेंदे ने। ਉਹਦੇ ਚੌਰੀ ਪੜਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਯਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਜੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਬਲਾਓ ਤੇ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਕਰਾਓਗੇ? बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, सरदार खालिद महमूद डोगर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मोमिना मलिक। टू द शो जी, माशाल्लाह दोनों मेहमान बड़े प्यारे और फ्रेश हैं सर। क्या बात। और शेर भी बिल्कुल मैं आज के जमाने का लेकर आया हूँ जी। 60 से ऊपर वालों को वैक्सीन भी मिल सकती है। कोविड का आखिरी मरला, अल्लाह करे जान छूट जाए इंशाल्लाह। 60 से ऊपर वालों को वैक्सीन भी मिल सकती है। गले में बाहें डाल के गपशप करना छोड़ के देखें, वरना कोविड आपसे आप तक ऊपर भी जा सकता है। राजो न्याज की सरगोशी भी करना छोड़ के देखें। मेरा शेर जी साडा आपस च ही है के वाल वधा ले रांझे ने, वाल वधा ले रांझे ने, ते टिंडा कराइयां हीरां ने। वाल वधा ले रांझे ने, ते टिंडा कराइयां हीरां ने। मिर्जे नाल धोखा कीता ओदे अपने तीरां ने। सर मैं तो मोमिन जी के लिए शेर है हाय हाय इरशाद, के बीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है। हाय 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 हाय, बीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है। वाह वाह, मेरा 2000 गुम है, काम तुम्हारा है। जी क्या हाल है आपके खालिद साहब? जी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए ठीक हैं? हम ठीक ठाक है, आप सुनाए आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, और हालात कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का हालात ठीक, हुकूमत दे हालात ठीक है, सेहत लो जरा तंग ने। वही कह रहा हूं। अच्छा, क्या सेहत की तरफ से तो तंगी है? नहीं नहीं, सेहत की तरफ बिल्कुल ठीक है, मैं अपना बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नहीं मगर वैसे आपस की बात है कि आपको देख के लग रहा है कि ख्वाजा साद रफीक जेल से आने के बाद ऐसे होंगे। बिल्कुल ठीक है भाई, बड़ी शक्ल से मिलती है आपको, पहले लोगों ने कहा ही है? जी बहुत ज्यादा। अच्छा ये कहा हुआ है आपको भी, ये बात पता है? बड़े भाई है ना जी, वैसे वाले भाई है ना, सिंबॉलिक भाई। अच्छा तो आपने कहा हालात ठीक ठाक है, सेहत के हालात ठीक है ना जी, मुल्क के हालात तो आपके सामने हैं, वो तो बदतर हैं। मुल्क के हालात कैसे आप बताएं, ठीक है? वाकई बदतर हैं। अच्छा बदतर हैं, आप बताएं उनसे, छोड़े हमने उनसे बात ही नहीं करनी, आज आप बताएंगे क्या मसला है? मसला इतना ज्यादा महंगाई हो गई है, इतना ज्यादा महंगाई हो गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, ऊपर से क्राइम भी इतना ज़्यादा है। अगर हम, मैं जब भी टीवी देखती हूँ नेगेटिविटी से भरी न्यूज़ है हर तरफ। सर इनिया टिकेटियाँ हो रही हैं कि टीवी नहीं देखी था, टीवी जो को मोबाइल ना खोले। नहीं मगर आपने कहा कि जब टीवी देखती हैं तो उस पर नेगेटिविटी नजर आती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और बताएं हमें, एक तो क्राइम बहुत ज्यादा हो गया है, ऊपर से इतना ज्यादा महंगाई है, और यही दो मेन चीजें हैं। बस यही दो मेन चीजें हैं, क्राइम का हमें ज्यादा रहने दो, मेकअप सस्ता कर दो, खुश नहीं। अगर आपके डेफिनेशन के मुताबिक हम चलें और अगर आप टीवी लगाएं और आगे से गाने बज रहे हों तो यानी ये क्राइम खत्म हो जाएगा क्या? नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हुकूमत के हिसाब से अगर आप वैसे देखना चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा मतलब महंगाई हो चुकी हुई है, हो चुकी। हम बाहर जाते हैं, पहले जो ग्रोसरी मैं अपने घर की खुद ही बाय करती थी पहले भी अभी भी, तो जब मैं चीजें लेने जाती बहुत डिफरेंस है, कहाँ 52 की वो आती थी चीनी, अब मुझे 95 की मिलती है। ठीक है,
यार ये कोई बात नहीं है, अच्छा बताइए। और इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा हो गया है, गैस का बिल भी। मेरे गैस का बिल 2 months का आया अराउंड 22,000। और पीटीआई के पास एक ही बात है के? उसको पकड़ लिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और एक चीज, जब हम टीवी लगाते हैं, उनके पास कहते थे कि शुगर मिल्स इनकी, नवाज शरीफ नून लीग वालों की अपनी थी, ये था। बेशक उनकी अपनी थी, हमें सब चीजें सस्ती तो मिलती थी ना, पब्लिक को ये है कि हमें सस्ता मिलना चाहिए। मुझे ये बताएं मोमना, आपने वोट पास किया था? नहीं। क्यों? मैं नहीं जा पाई थी इस वजह से, वैसे मैंने नून लीग को ही देना। दरअसल शनाख्ती कार्ड किधर रखो, आगे फ्रिज लगी सी है ना? नहीं। मगर आप क्यों नहीं जा पाई, उस दिन तो छुट्टी थी। नहीं छुट्टी नहीं थी, छुट्टी नहीं तब थी? नहीं छुट्टी नहीं थी, इलेक्शन के दिन छुट्टी नहीं थी, पूरे पाकिस्तान में छुट्टी थी। एक्चुअली तब मैं सदर में एज अ मैनेजर जॉब कर रही थी। अच्छा, और मैं जॉब पे थी। तो जिस जॉब पे आप थी उन्होंने आपको छुट्टी नहीं दी? वो पीटीआई की तरफ से थी, वो चाहती नहीं थी कि मैं जाऊं वोट डालने। आप जहाँ पे काम कर रही थी, जहाँ मैनेजर थी आप, वो पीटीआई की तरफ से थी जो खातून थी जी, तो उन्होंने ये कंस्पिरेसी की उन्होंने अपनी मैनेजर को उस दिन ऑफ ही नहीं किया। बिल्कुल, वो उनको यकीन था कि आप वोट जाके डालेंगे। यहाँ पे मोमना एक मिनट, सरदार साहब ये देखें किस किस्म की रिगिंग हुई है। यहाँ से शुरू हो गई ना जी। ये देखें, एक बिल्कुल नया एंगल दिया मैंने आप लोगों को, एक एक वोट से, एक एक घर से, एक एक, यानी कि उन्होंने उनकी नौकरी जो थी उन्होंने दाव पे, उन्होंने कहा तुम या आज नौकरी बचाओ या फिर तुम आज नवाज शरीफ बचाओ। अगले जलसे की तकरीर तैयार होगी तो डीएस का। अच्छा, तो इस वजह से आप अपना वोट ना दे पाए? इस वजह से। और अगर आप देने जाती तो आपने नून लीग को मार्क किया हुआ था? ओए, और आपके हल्के से कौन खड़े हुए थे नून लीग के? पता नहीं। आपका हल्का कौन सा है, आपका इलाका? मैं फेस 4 में डीएचए। तो आपके हल्के से गालिबन साद रफीक साहब। ओए होए होए, साद रफीक साहब, मगर आप फिक्र ना करें, साद रफीक साहब इवेंचुअली तो जीत गए ना फिर? जी जीत गए। वो उस वक्त इमरान खान साहब से हार गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और वो जीत गए। तो आप इतना दिल छोटा ना करें, चाहे आपने कुर्बानी दी लेकिन साद रफीक साहब को बचा गया फिर भी। साद रफीक साहब ताड़ा ते तकरीर जिक्र कर देने के मेरे वोटरों को रोका गया, वो ताड़ा कह रहे हैं। जहाँ पे काम करती थी उनकी ओनर अगर अब ये देख रही हैं तो आपने जो जुल्म किया वो आपने चाहे उस वक्त कोशिश तो कर ली, लेकिन साद रफीक साहब फिर भी एमएनए बन गए वहाँ से। आप तो नून लीग की बड़ी आर्डेंट सपोर्टर लगती हैं मुझे, तो आपको हल्के हल्के शहबाज शरीफ साहब याद आते हैं? बहुत ज़्यादा याद आते हैं। अच्छा, क्या याद आता है? उनके टाइम बिल्कुल टेंशन नहीं था, और अब मुझे लगता है कि जब से हुकूमत चेंज हुई उसके बाद से क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। और एज अ गर्ल पहले जितना मुझे थोड़ा सेफ फील होता था बाहर आने जाने में, अब उतना जब भी मैं न्यूज़ देखती हूँ, अगर मैं नहीं भी देखूँ मेरी मम्मा ऑल द टाइम न्यूज़ देख रही होती हैं, और घर आओ। आप मम्मा का चैनल चेंज करवाएं? नहीं कर सकती हूँ चेंज। मम्मा को कहें कोई और मॉर्निंग शो भी होते हैं वो भी देख सकती हैं, उन्हें कहें कोई अच्छी खबर देख लें। वो क्यों हमेशा मैं सोकर उठूँ न्यूज़ लगाता है, मैं घर से बाहर जाऊँ न्यूज़ लगाता है, घर आऊँ तो न्यूज़ न्यूज़ हर टाइम मम्मा न्यूज़ देख। जगाते भी सर, उड़ जाओ बेटा आज देखो क्या इतनी अच्छी हांडी पकी हुई है, आके खा लो तुम। सारा न्यूज के तरीके ना दादा। सर ये देखें, आवाम जो है वो आपके साथ बैठी हुई कह रही है कि सरदार साहब मसला हो गया है, अब क्या करें? मुझे तो लग रहा है वो नून लीग से हैं। वो भी नून लीग से होंगे, मैं तो चुके हुए। हाँ, तो मुझे तो खुशी है मेरे साथ वाले भी अगर नून लीग में है तो। मगर साथ वाले भी आपके, मगर आप बताएं ना सारे मसाइल तो उन्होंने बता दिए हुकूमत के। वो अभी जवाब ताज़ा ताज़ा पीटीआई वालों की तरफ से मिल तो रहा था साथ साथ ही। आप नून लीग दा जे आप कह रहे बाजू तो मैं शेर बनाया जरा वो मैंने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब उनको कोई बात करते हैं ना, वो भी कहते हैं कि चीनी किलो की बजाय हाफ ले लो, गैस की बजाय कोयले ले लो, वाला जवाब दे। मगर अभी इनसे मैंने पिछले दिनों पूछा था कि आप को अगर मैं ये कहूँ ये जो रिसेंट इलहाक हुआ है आपका और पीपल्स पार्टी का, वो अगर कैसर पिया साहब आपको बयान करना हो एक ही जिस्ट के अंदर, तो आप कैसे बयान करेंगे? तो उन्होंने अपने हाथ के ऊपर टैटू करवा लिया, उसमें उन्होंने शेर दिखाया और शेर के दिल के अंदर से तीर निकल रहा था। मतलब वैसे आप बताएं दोनों का फाद मुल्क और कौम की फलाह के लिए नेचुरली है ना? ठीक है। और ये जब इलेक्शन आएंगे तो ये मुल्क और कौम अलग हो जाएगी? वो पहले भी करते हैं, अब भी करते हैं, वो अपनी सोच से बाहर अपना आइडिया तो अलग अलग लेकर चलेंगे ना, मगर जब भी कौम को या मुल्क को जरूरत पड़ती है तो वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। जब भी कौम और मुल्क को जरूरत पड़ती है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इकट्ठे हो जाते हैं, कुर्बानी देने के लिए एक दूसरे की जगह, कुर्बानी देने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, फायदे उठाने के लिए अलग अलग। अगर खुद लाओगे तो ही ये आएगी, वरना तब्दीलियों के तो अक्सर
क्या बिजनेस होना चाहिए जॉब से बेहतर है? जॉब से बेहतर है कि उनका अपना बिजनेस, अपनी पर्सनल जूते बनाता हो, अगर जूतों की फैक्ट्री हो। जूते अच्छे होने चाहिए। जूतों की फैक्ट्री का नाम है। अगर जूतों अच्छी नहीं होंगे जूते आप इकट्ठे हो जाते हैं। लाउंज मैं तुहाडे नाम रखांगा वाशे चौधरी लाउंज। एक पासे मैं लिखांगा अकरम गंजा लाउंज। कैसर पिया लाउंज नहीं चलाना जा रहा। इफ्तिखार चपाटर लाउंज। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। खालिद साहब, नैब वालों की तरफ से तंगी तो नहीं है अभी तक हुई? हमें तो ऐसे कोई अल्लाह रहम करे कोई अभी कॉल या मैसेज वगैरह नहीं आया अभी तक। ये तो फिर बेहतरी होगी। आप नहीं घबराए नहीं, मैंने वैसे नहीं ऐसी बात ही नहीं तो फिर वो क्यों करेंगे अभी? वो नहीं छेड़ते। मुमना जैसे आप नून लीग की हैं माशाल्लाह, आप पक्की वोटर हैं, अगर घर वालों ने कहा कि पीटीआई के लड़के से कोई रिश्ता करना आपका तो कर लोगे? नहीं, मेरे सब घर वाले नून लीग हैं। मतलब अगर कहा उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं, बस लड़ाई होती रहेगी फिर तो। मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है अगर मुझे पीटीआई वाला मिले ना उसको छेड़ने का। अच्छा जी, अब मुझे बताओ तुमने वोट दिया था, मजा आ रहा है तुम्हें? अच्छा नहीं, वोट देखे शादी के बाद वैसे ही छेड़ते रहते हैं तो आपको फायदा क्यों होगा? सालन च तेज मिर्चा पाती हैं, रोटी साड़ती, इस तरह के कपड़े इस्त्री ने किया, बदले लो। आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी होगी अपना गुस्सा निकालने की? ये तब हो सकता है अगर पीटीआई वाले को मैंने खुद पसंद किया हो तो, घर वाले कहें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वैसे आपकी पसंद क्या है? जिंदगी में सोचा होता ना कि कैसा लड़का हो, सामने बैठा हो, ग्रीन सी शर्ट पहनी हो। जैसा मैं अपनी निकल कर रहा हूं, मैं वैसे पूछ रहे हो ना जिस तरह आपकी तरह होना चाहिए। पीटीआई वाले हो खुश जी हो ना, नून लीग वाले आपस में गए ना सारा चीज। अच्छा मेरी तरह का होना चाहिए, और भी कोई बताएं कोई? मुझे आपने सच्ची में बताया कि मगरुल्लाह वाली गल की थी? नहीं नहीं, पूछना बनता है ना कि सीरियसली कहा? अच्छा मतलब आपको इनका पता भी है कि ये नेचर वाइज कैसे हैं? मतलब डाउन टू अर्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल वो भी हैं। मतलब मुझे ऐसे ही लगते हैं, ऐसे ही हैं। तो अमीर तो नहीं ना चाहिए ना, मेरे जैसा गरीब बंदा चाहिए आपको? ना बहुत ज्यादा गरीब हो ना बहुत ज्यादा अमीर हो। ये बहुत ज्यादा गरीब और बहुत ज्यादा अमीर क्या होता है? गरीब वो जिसके पास अपना घर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और अमीर वो जिसके पास मतलब एक नॉर्मल गाड़ी और अपना घर हो। मेरे नजर अच्छा, में अमीर वो है। गरीब वो है जिसके पास अपना घर नहीं होता, और अमीर वो है जिसके पास अपना घर हो। तो यानी कि जो मिडिल में हो वो आपको चाहिए है, और उसके पास अपना घर हो लेकिन वो अपने घर के अंदर किराया देता हो। सर मैं ते अपना घर बेचन लगा सी, वो मालक मकान ने नहीं बेचन देता मैं। हाँ, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई आपका जो मतलब आज का जो दौर है ना, इसमें अपना घर होना सबसे बड़ी बात है मेरे ख्याल से। और अगर आपने शादी किसी ऐसे से करनी है तो एटलीस्ट उसका अपना घर हो, इतना वो अमीर होना चाहिए। गरीब भी है तो अमीर भी है, गड्डी के दो टायर पुराने ने दो नवे ने। हाँ जी, और स्टपड़ी में ना रख दा जी। अच्छा अपना घर बड़ा लाइक कनाल 10 मरले या कितना? एवें सिंगल बने जेनी तौर पे तो मिस्त्री है ना जी, क्योंकि कनाल वाला तो अमीर बहुत। हां पूछिए, वही बात जो बड़ा किया है कनाल का घर, 5 मरले का, 10 मरले का या कनाल? अब मैं क्या जवाब दूं इसका? उन्होंने आपको इतना अच्छा जवाब दिया है कि अपना घर हो उनका, ये उनका पहला घर में भी तो सर जी बड़े बड़े माशाल्लाह 10-10 को यार भाई उन्होंने तो फिर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ना वही कहना, अमीर नहीं चाहिए बस कोई नॉर्मल सा अपना। हां 5-10 मरले का घर, 5-10 मरले का घर भी चलेगा। 5-10 मरले का उसका घर हो अपना सा, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। और गाड़ी कौन सी हो? नॉर्मल 4 टायरों वाली। सर वो तो खोता रेडी भी होती है। खोता रेडी के कौन से 4 टायर होते हैं? नहीं होगी, आधे पैसे डाल के शेयरिंग कर लूंगी मैं कोई। अच्छा ठीक है, क्या डर हो गया? ये फैसिलिटी भी है। राजी राजी हो गए, चलो बेहतर हो गया, तो रिश्ता लग गया, मुबारक हो। डोगर भाई आए ने, चलो इस खुशी दे। हाँ जी, मेरे ब्याह से आज मेरे यहाँ तेन एडी खुशी मिली है, जो बुलाएंगे फिर। सब आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास है जी करोला। करोला भी सही है या सिविक की? नहीं, उनके पास अगर करोला है तो उससे क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। करोला भी चलेगी? करोला भी चलेगी ना, यानी कि सिविक पे सिर्फ आपकी सुई नहीं अड़ी हुई? हां नहीं अड़ी हुई, मतलब करोला और सिविक में से कोई एक हो जाए, कोई भी एक हो जाए। कमेटी निकलेगी, ले लेंगे स्विक की लेनी जाओ। अच्छा चलें ठीक है, ये तो है। मगर एक चीज देखो, उनकी क्लैरिटी बड़ी है कि उन्होंने कहा कि घर होना चाहिए 5 मरले वाला, और गाड़ी होनी चाहिए ये वाली। ठीक है, ये दो चीजें बड़ा बेसिक आपने, बेसिक ये मेन चीज है, ये बेसिक मेन चीजें हैं। पेट्रोल वगैरह उसमें कौन डलवाएगा? ये आपका घर मेरी गर्ल्स नहीं है, हम डलवा लेंगे। आप डलवा लेंगे, बस एक घर हो जिसके गैराज के अंदर ये गाड़ी खड़ी हुई है, बस ये है आपकी टोटल ड्रीम। टोटल ड्रीम मेरा वो, आपको काम करने से भी ना रोके। हाँ मतलब अगर मैं नहीं करूँ काम, मुझे इशू नहीं, अगर वो चला सकते हैं तो। कमेटी निकलन दे, मैं काम करने नहीं देना था। कोई प्रोफेशन आपके ध्यान में हो?
अपना बिजनेस होना चाहिए, अपना बिजनेस जॉब से बेहतर है, जॉब से बेहतर है कि उनका अपना बिजनेस, बिजनेस अपनी पर्सनल जूते बनाता हो, अगर जूतों की फैक्ट्री हो, जूतों की फैक्ट्री हो, जूते अच्छे होने चाहिए। अगर जूता अच्छिया नहीं होंगे जूते आप इकट्ठे हो जाते हैं। Good, how are you? I have a good news. Really? I'm going to build a 5-star hotel. Yes. Chef ek bande nu main mile ha. Acha. He is a 7-star chef. Okay. Oh, kehnda hai ki university hai, yo to tusi course karo chef da. Okay. Khane banane sikh lo. Us to baad tusi government kolo karza leke apna 5-star hotel banao. Te othe rakho organic food. ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੌਨ ਫੈਰੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਣਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੈਫ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਲੌਂਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਲੌਂਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਅਕਰਮ ਗੰਜਾ ਲੌਂਜ ਕੈਸਰ ਪੀਆ ਲੌਂਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਫਤਖਾਰ ਚਪਾਟਰ ਲੌਂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ 18,000 ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਬਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖੇਚੇ ਚੂਝੂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ 5000 ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਭ ਦੇਣਗੇ 5000 ਕਰੂੰ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਯੈਸ ਤੇ ਕੈਸਰ ਪੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਬਾਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ਾਂ ਤੇ BMW ਤੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਗੁੱਜੂ ਕਿ ਮੀ 18,000 ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਮਨੀ ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ ਯੂ ਕੈਨ ਟ੍ਰਾਈ ਫਰਮ ਦਿ ਗੈਸਟ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਟਲ ਚ ਸਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਥ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਮੈਂ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ PTI ਵਾਲੇ ਲੱਗਤੇ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਇਤਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਸਮਝੋ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ PTI ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਐਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ PTI ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਈ ਹੈਵ ਲਾਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇ ਫਾਰ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਕਿਸ ਬਾਤ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਤੇ ਹੈ ਫੌਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਝੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਹੀ ਆਊਂਗਾ ਜਾਣਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਦਾਲਤੋਂ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਅੱਗੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ
ना करें चेहरे से खुशी देखो वो हमेशा होती है सारे घर दे मैंने कपड़े खरीद के देते ने ओए होए शॉपिंग करा के देती ने कमिंग गर्मियां दी इंग्लैंड से इंग्लैंड तो ये जो खुशी आपके चेहरे पर है ना ये सिर्फ तभी होती है जब आपने इंग्लैंड आना जाना हो अपने बच्चों कपड़े खरीद पुछो क्यों मशवरा ही ऐसा दिता ना करे मैंने बुलाया ने स्पेशल मैं कहते बड़ा परेशान है यार पासपोर्ट रख के बैठे टेबल अच्छा मैं सर मुबारक हो नवा पासपोर्ट बन गया मुबारक दे रहे हैं मैं इस गल दे रहे हैं भी एक्सपायर है मुबारक मैं हूं तो थोड़े को पक्का बहाना हैगा मेरा तो पासपोर्ट एक्सपायर है मैं तो नहीं आता मैं नहीं सकता कहने पुत्र एक पाकिस्तानी होने के नाते पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए बिल्कुल बन नहीं रहा तू किस गल का निर्गोली है तू किस गल का चौकस है भाई पासपोर्ट ही नहीं बन रहा मैंने फिर चढ़े हल्का जा गुस्सा मैं कहा सर इमरान खान साहब आप पासपोर्ट बनवा के देन पासपोर्ट दे दफ्तर खलोते हो कह रहे हो बनाओ इमीजिएटली मनो फिर कहने दस मैं क्या हूं जो कहना पाकिस्तान क्यों नहीं आते किस बात के लीडर बने फिरते है फौरन तुम कहना इमरान खान मुझे पासपोर्ट बनवा के दो शाम को ही आऊंगा जानगे पासपोर्ट तो बना के भेजेंगे उस तो बाद फिर कहेंगे अदालतों का सामना क्यों नहीं करते अगो कहना मैं बीमार हूं मैं पासपोर्ट भी बन गया ते जाना भी नहीं मैंने कहते नहीं अल्लाह तेरी खैर करे फटकाट जाके ते शॉपिंग कर अच्छा आपने फिर मजीद शॉपिंग की मजीद डबल यार तुम्हारे वास्ते मैं जुराबा लेके आया बड़ा प्यार कर देने उस इलाके काफी सारे जो मुलाजमी ने इस टाइम सरकारी जॉबा कर रहे कि भर्ती कराए ने कि फिर वही गल पुत्र को कही दे भी इन्होंने मेहनत करते ने मोहब्बत करते माशाल्लाह मॉडल दस नहीं था मोमना जी आए ने आप देखे ना बड़े मीस ने है गए मेरे फेवरेट ने अच्छा हाँ की कम करते मॉडल है सेहतमंद ने कट जाएंगे दो तीन महीने अंदर मैं साथ रफीक हां तुसीं ते मैनूं लै गए सो साध रफीक साहब ना फेस मिलता है हाँ जी लेकिन बड़ा जमीन आसमान का फर्क फेस मिलता केस नहीं मिलता ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान जनाब कायम अली शाह और जनाब असवंद यार वली कायम अली शाह क्योंकि बस मुझे उन्हीं का पता है नाम सुना मैंने कायम अली शाह साहब का पता है मौलाना फजलुर रहमान का पता ही नहीं है उनको नहीं। मैंने देखा हुआ है वो कायम अली शाह साहब को देखा हुआ आपने नहीं बस सुना ही है अच्छा तो आपने नहीं देखा हुआ इसलिए आपने उनका इंतखाब कायम अली शाह साहब स्पोर्ट्स कार के अंदर मोटरवे के ऊपर साईं बहुत मजा आएगा ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ जनाब परवेज मलिक और जनाब ख्वाजा साद रफी तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है ख्वाजा साद रफी के साथ मुस्कुरा के किनको देख रहे हैं परवेज मलिक साहब और किनको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया जिनका फ्लोर आ गया जो बचेगा वो फ्लोर ख्वाजा आसिफ साहब जी ख्वाजा आसिफ साहब आपको कहा जा रहा है कि आपका फ्लोर आ गया कोई फ्लोर होता है कोई हया होती है
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। 2020 का आगाज करते हैं। हल साहब, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल आप अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को ये बताएं, एक लिफ्ट में आप एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं उसके अंदर, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप मरवतन मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से ना आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ, जनाब परवेज मलिक और जनाब ख्वाजा साद रफीक। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? ख्वाजा साद रफीक के साथ। मुस्कुरा के किन को देख रहे हैं? परवेज मलिक साहब। और किन को कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? जिनका फ्लोर आ गया, जो बचेगा वो फ्लोर पे। ख्वाजा आसिफ साहब जी, ख्वाजा आसिफ साहब आपको कहा जा रहा है कि आपका फ्लोर आ गया। कोई फ्लोर होता है, कोई हया होती है। ये बताइए सर, चांद पर जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठे हुए हैं, दो सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वहां से वापस आने की गारंटी नहीं है, अलबत्ता आप आ जाएंगे। कौन होगा वो जिसको आप चांद पर ले जाके छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तलाल चौधरी साहब आपको ही सब छोड़ना चाहते हैं वहां पे। ये बताइए सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदोस आशिक अवान और महवेश हयात। ठीक है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज। वाह 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 वाह। आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर शहबाज गिल और फयाजुल हसन चौहान। ये बताइए मैडम, एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा अजीज, हानिया आमिर और मावरा हुसैन। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? इकरा अजीज। स्माइल किन को है? हानिया में। किनको कह रही है कि आपका फ्लोर आ गया? मावरा को। मावरा को। ठीक है, टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब परवेज खटक। उस्मान बुज़दार साहब आप होंगे टाइटैनिक के ऊपर। आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हैं, गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, स्पोर्ट्स कार में आप हैं, देखती हैं मोटरवे पे कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगी अपने साथ स्पोर्ट्स कार के अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजल रहमान, जनाब कायम अली शाह और जनाब असवंद यार वली। कायम अली शाह, क्योंकि बस मुझे उन्हीं का पता है, नाम सुना हुआ मैंने। अच्छा, कायम अली शाह साहब का पता है, मौलाना फजल रहमान का पता ही नहीं है? उनको मैंने देखा हुआ है, वो नहीं। उनको देखा हुआ इसलिए आप कायम अली शाह साहब को देखा हुआ आपने? नहीं, बस सुना ही है। अच्छा, तो आपने नहीं देखा हुआ इसलिए आपने उनका इंतखाब किया। कायम अली शाह साहब स्पोर्ट्स कार के अंदर मोटरवे के ऊपर, साईं बहुत मजा आएगा। ये बताइए, डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, दो लाइफ जैकेटें हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, किसको देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान खान और जनाब डोनाल्ड ट्रंप। इमरान खान देखें, ये तो उनको समझ थी कि उन्होंने किसको देनी है लाइफ जैकेट। सरदार खालिद महमूद ओगर साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। मोमिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर। आपको दावे से कहता हूँ कि ये मेरा इमरान अर्तुगरुल आपको ये पाकिस्तान चेंज करके दे। बचपन आपको क्या पता था कि इमरान खान साहब अर्तुगरुल हैं? अच्छा, मैं डकैत हां, बेईमान नहीं। ओके, मैं मालिक नाल गल कीती है, वो कहंदा मैं बेईमान हां, डकैत नहीं, पैसे पूरे लवांगा। खवातीन को समझना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। मैं क्या, एक्चुअली सर तुहाडी ते उन्हां दी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। मतलब कहंदे ने एक ही मतलब होया। हां, मैं क्या सर, 3 साल उन्हां ने भी कुछ नहीं कीता ते कीता तुसी भी कुछ नहीं। घर से ना मरवाएं तो मेरी 6+ ही।